हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के वीज़ा के बारे में। और ये भाई वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है जापान ने। किनको करा है, कैसे करा है, क्या है प्रोसेस, सारा वही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है जापान का वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में, किनको किया है, इंडियंस को, इंडियंस के लिए क्या प्रोसेस है और यूएई नेशनल के लिए क्या प्रोसेस है। तो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और भाई, आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो भाई इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसको फॉलो करो और मैसेज करना कोई भी डाउट आपका। तो रिप्लाई आपको जब भी मैं फ्री हूँगा तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई, सभी को मिलता है जो भी वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो भाई, सबसे रिक्वेस्ट भी है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे मुझे भी और ट्रैवलर्स की हेल्प हो, थोड़ी सी ट्रैवलर की भी हेल्प हो जाती है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, गूगल पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बट वीडियोज़ में मिल जाती है भाई, रियल टाइम एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं। तो भाई, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है भाई, इसका शॉर्ट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। जो जापान है, जापान ने वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी यूएई नेशनल को दे दी है भाई। 1 नवंबर से ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है, कोई भी यूएई रेजिडेंट है वो वहाँ पे जा सकता है, वीज़ा ऑन अराइवल ले सकता है, पहले अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल एंट्री मिलेगी भाई 30 डेज़ की, 30 दिन तक आप वहाँ पर रुक सकते हो, घूम सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्टे करना है, जो यूएई का रेजिडेंट है उसको वहाँ पे पहले ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई, ये इन्फॉर्मेशन मैंने सर्च करी है यूएई, जो जापान की एम्बेसी है यूएई के अंदर, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, ये देखो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उन्होंने भी शेयर करी है इन्फॉर्मेशन, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है यार, आपको जाने की टिकट, रिटर्न टिकट, मतलब जाना और आना दोनों, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ये 3 तो मेन होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी होने चाहिए। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा बड़ा, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है भाई इसका, और बड़ा ही अच्छा ऑप्शन उन्होंने दिया यू रेजिडेंट को। यहाँ पर एक सवाल उठता है भाई कि क्या इंडियंस जिनके पास रेजिडेंसी है यूएई की, क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं? तो भाई, अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी वो बंदे ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, इन फ्यूचर कुछ अपडेट होती है इस वीज़ा ऑन अराइवल में तो भाई चांसेस हैं, बट अभी के टाइम पे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ यूएई का पासपोर्ट है, जो बायोमेट्रिकल जिसमें डिटेल्स होती हैं, वो पार्ट पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है इस वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। तो जो यूएई का नेशनल है उसी को ही वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलेगी। और भाई, सिंगल एंट्री है 30 डेज़, और 60 डेज़ का अगर कोई लेना चाहता है वीज़ा तो उसको पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई, ये बड़ा लंबा इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव है जापान का, क्योंकि 2.5 साल से उनका जो ट्रैवल था वो बंद था, रिसेंटली उन्होंने ओपन किया है, और COVID-19 की कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है भाई। ये भी एक अच्छा है कि मतलब आपको RT-PCR कराना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ, अभी कुछ भी वो भी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द यू नो ट्रैवलर्स आर पॉपुलेशन आर वैक्सीनेटेड, सो उन्होंने इसी 2.5 साल के बाद ही ओपन किया है। और रिसेंटली ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ताकि जो भी यूएई में रेजिडेंट है, जिनके पास यूएई का पासपोर्ट है, उसके लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है भाई। बाकी भाई, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली मैं चैनल पर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और आप लोगों को भाई अगर कोई भी अपडेट लेनी है यूएई के वीज़ा को लेकर या फिर कोई भी, तो डेफ़िनेटली भाई आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और फिर डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा भाई। तो लेटेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस, सर्बिया, अल्बानिया या रशिया, जो भी कंट्रीज ओपन है, लोग शेयर करते रहते हैं। तो वीज़ा की इन्फॉर्मेशन भी हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं अभी रियल टाइम एक्सपीरियंस, वो बताते हैं कि भाई कैसे वीज़ा हमें मिला, कितने दिन में मिला, क्या कॉस्ट आई, तो वो भी भाई सारी वीडियोज़ आप चैनल पर जाके देख सकते हो। आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं भाई, ताकि ट्रैवलर्स की हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं भाई, वो वीडियो से 110% श्योर क्लियर हो जाते हैं। तो भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर देना वीडियोस को और लाइक कर देना भाई। बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए